हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जब डिफरेंशिएट करने को बोला हो यू अपॉन वी। यू अपॉन वी मतलब कुछ कोई दो टर्म हमें ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी हो, तो हमेशा हम ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। तो मतलब इस फॉर्मूले में क्या होगा, ये जो वी है नीचे, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे लिए ये वी है और ये यू है, ये हमारे लिए यू और ये वी। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम इसको लेट कर लेंगे वाई। लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हम इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मतलब इस तरफ भी हम डी बाई डी एक्स लगा देते हैं वाई के साथ, और इस तरफ भी डी बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला था, वी। वी हमारे लिए ये है, तो यहाँ पे पहले वी लिख लेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी वी डेरिवेटिव ऑफ यू। माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। अपॉन वी स्क्वायर। ये वी हमारे पास है कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव करना शुरू। ये कॉस सी एक्स प्लस डी का तो डेरिवेटिव करेंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे डी ए बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हमने डेरिवेटिव करना है साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का वो होता है कॉस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ ये वाला एक्स, तो ये तो कैंसिल होकर वन ही आया था, इसलिए हम नॉर्मली साइन का डेरीवेटिव कॉस एक्स बोल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब हमें डेरीवेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी को, तो इसमें क्या होगा, ये तो ऐसे ही आएगा कॉस एक्स, ये हमारे लिए पूरा एक्स है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इस केस में वन नहीं आएगा, ये तो आएगा ऐसे, और ये चीज़ मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए अकेला आ जाएगा। जैसे अगर हम ए एक्स का करें तो ए रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होकर ए आ गया। तो मतलब कि साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इस पूरे का क्या है, ए। तो यहाँ आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब यहाँ माइनस का माइनस, और ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सी अपॉन डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू ऐसे ही कोस सी एक्स प्लस डी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो ये एक और देख लेते हैं। जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इसका डेरिवेटिव सी। इसका डेरिवेटिव सी अकेला कैसे आया, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सी एक्स प्लस डी। जब हम सी एक्स इसका तो करेंगे जीरो हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा अकेला सी, तो हमने वही सी लिख दिया। अब यहाँ से हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब ये माइनस यहाँ आ गया, प्लस का हो गया, तो साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी अपॉन
कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।